90 के दशक में बिहार में औरतों, बच्चों, बुजुर्गों की बर्बर हत्या की साजिश रचने के आरोपी रणवीर सेना प्रमुख ब्रह्मेश्वर मुखिया के अंतिम दर्शन में उनके समर्थकों का तांता लगा हुआ। आरा में मुखिया के घर पर उनका शव रखा हुआ। ब्रह्मेश्वर मुखिया का आज अंतिम संस्कार पटना में किया जाएगा। सुबह 8 बजे आरा से शव यात्रा निकाली जाएगी जो सड़क के रास्ते पटना जाएगी। पटना के बांस घाट पर ब्रह्मेश्वर मुखिया का अंतिम संस्कार किया जाएगा। शांतिपूर्वक हम अपने सारे कार्यकर्ता से आग्रह भी किए हैं और प्रशासन से भी आग्रह कर रहे हैं कि हमारी शांतिपूर्वक हम लोग शव यात्रा निकलेगी, उसमें वो सहयोग करें, उनके उनके उनको भी हम लोग सहयोग करेंगे। शुक्रवार सुबह ब्रह्मेश्वर मुखिया को कुछ अज्ञात हमलावरों ने उस वक्त गोली मार दी जब वो टहलने के लिए निकले थे। मुखिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उन्हें 5 गोलियां लगने का खुलासा हुआ। तुरंत ही DGP के संरक्षण में हम लोग जो हैं उनका पोस्टमार्टम कर दिया, उसका रिपोर्ट भी हैंडओवर कर दिया। फायर आर्म्स का केस है, 5 गोली लगी है और सब का इंट्रेंस और एग्जिस्ट उन था, कोई गोली बॉडी में नहीं पाया गया। ब्रह्मेश्वर मुखिया की मौत के बाद उनके समर्थकों ने आरा में जमकर हंगामा काटा। जिसके बाद आरा छावनी में तब्दील है। हर नुक्कड़ पर CRPF के जवान गश्त लगा रहे हैं। शव यात्रा के दौरान किसी तरह की तोड़फोड़ और आगजनी न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन चौकस है। केंद्रीय गृह सचिव RK सिंह भी बिहार पहुंच गए हैं और राज्य में कानून व्यवस्था के इंतजामों के विषय में आला अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या हुए 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि मुखिया की हत्या किसने की। क्या इसके पीछे रणवीर सेना के विरोधी संगठनों का हाथ है या फिर आपसी विवाद में गई मुखिया की जान।